Good morning to all of you. Good morning. Good morning to all of you. Myself, Dr. Bhishma, Assistant Professor of Botany. Today we will discuss the second lecture of nitrogen fixations. And before this, I have given lecture on the nitrogen fixation. In the first lecture, I have discussed different types of bacteria as well as nodule formation, symbiotic association, non-nodulations, and how many types of relationship occurs among the nodule formations. और आज हम लोग बात करेंगे वीडियो के सेकेंड लेक्चर्स में आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशंस, इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे. गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग वंदना जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग. और आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशंस के सेकेंड लेक्चर में लेग्युमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीजों को हम लोग डिटेल से एक एक करके देखेंगे. और हम लोग आप जानेंगे कि नोड्यूल को बनाने के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है. और यहाँ से CSIR में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें तो आप देखेंगे कि नोड्यूल, नोड जीन, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड फैक्टर्स, इन पे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं. साथ साथ आज के लेक्चर्स में जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नाइट्रोजिनियस एंजाइम्स कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे. गुड मॉर्निंग रीना जी, गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सबका मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल्स पे. और आज के लेक्चर्स में हम लोग डिटेल से देखेंगे हाउ नोड्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लेग्युमिनस रूट एंड व्हाट आर द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर nodule formation of the rhizobium bacteria and how they play important role in root nodule formation as well as nitrogen fixation. So let's start today's lectures, nitrogen fixation mechanism and nodule formation. आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स पे बात किया था, अगर आपने वीडियो को फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखा है तो जरूर वीडियो को फर्स्ट लेक्चर्स देखें, उसको देखने के बाद इस लेक्चर्स को देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आएगी. वीडियो को फर्स्ट लेक्चर्स लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि लेग्युमिनस प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल कैसे, नॉन नोड्यूलेशंस क्या होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या होते रहते हैं, फ्री लिविंग एरोबिक एनरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू बिफोर लुकिंग दिस वीडियो यू शुड लुक द वीडियो ऑफ द फर्स्ट लेक्चर्स वेयर यू विल गेट द क्लियर कट कॉन्सेप्ट अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग जानेंगे सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस क्या होता है. जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे बात किया था कि सिम्बियोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिशियल टू ईच अदर. राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्युमिनस प्लांट्स के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था, राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेग्युमिनस फैमिली के मेंबर के साथ में सिम्बियाटिक एसोसिएशन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिसमें मैंने आपसे क्या बताया था कि बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस शो करता है. जरूरत पड़ती है तो रूट के साथ नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है, नोड्यूल बनाता है, अदरवाइज उस राइजोफियर एनवायरनमेंट के अंदर, उस राइजोस्फियर एनवायरनमेंट के अंदर जो रूट के चारों तरफ पाया था वहां पे पड़ा रहता है. तो दैट इज अ फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस करता रहता है. अब इससे सिम्बियोसिस में क्या फायदा होता है, मैंने बताया था, अगर पिछले लेक्चर से आपको रिमेंबर हो तो मैंने बताया था कि राइजोबियम अपने प्लांट उसको क्या करता है, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है और राइजोबियम लेग्युमिनस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करता रहता है. इस तरह से देखिए एक दूसरे की दोनों हेल्प कर रहे हैं, एक फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो
उसको नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से एक सिम्बियोसिस चलती है राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट के अंडर। और ये सिम्बियोसिस कैसी होती है? फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग मोनू सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप देखेंगे कि ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको रिमेम्बर हो तो मैंने आपसे बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है। ये ग्राउंड नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया होता है, माइक्रो एरोबिक होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, माइक्रो एरोबिक होता है और फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस को शो करता रहता है, फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस को शो करता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको राइजोबियम जैसा हम चर्चा कर लिया था पिछले लेक्चर पे, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी और राइजोबियम बैक्टीरिया का कुछ करैक्टर्स भी बताया था। देखो, इस करैक्टर्स के अंदर ग्राम निगेटिव, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये शो करता है फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस। कभी कभी करैक्टर्स को पूछ लेता है तो ये भी जानना जरूरी है, करैक्टर्स को जान लेना जरूरी है। तो ये कुछ करैक्टर्स हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के जो जो आपको जानने की जरूरत है। जैसे कभी कभी स्टेटमेंट राइजोबियम बैक्टीरिया में ही दे देता है तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, माइक्रो एरोबिक्स। एरोबिक्स देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एरोबिक्स, क्यों? कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रिस्पांसिबल एंजाइम है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स क्या होता है, ये एनरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करता है। और बैक्टीरिया कैसा है? एरोबिक है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया वो कैसा है? एरोबिक है। तो सिचुएशन अपोजिट है, इस बात को हम समझेंगे आगे। तो बैक्टीरिया कैसा है? माइक्रो एरोबिक है, माइक्रो एरोबिक है। ओके, और बोल रहा है यहां पे कि टू पार्टनर्स, देखो दो पार्टनर बैक्टीरिया और रूट, प्लांट की रूट के बीच में जो रिकॉग्नाइजेशन होता है वो लैक्टिन कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंपाउंड था, जिसके थ्रू क्या होते हैं, ये एक दूसरे के बाइंड करते रहते हैं। ये मैं आगे आपको चर्चा करूंगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर होपफुली आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से CSIR, TGT, PhD, NEET, एकेडमिक एग्जाम्स, इवन PhD एंट्रेंस में हर जगह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। हाउ द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नोडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। ओके, अब हमको एक चीज जाननी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने मुझे बताना जो आपको है। जैसा कि आप जानते हैं सिम्बियोसिस और सिम्बियोटिक एसोसिएशन और सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस फैमिली प्लांट रूट,
लेग्यूमिनेसी फैमिली की, देखिए दोनों के बीच में सिम्बियाटिक एसोसिएशन होता है, बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस फैमिली प्लांट रूट, जो दलहनी पौधे होते हैं उनके बीच में सिम्बियाटिक एसोसिएशन होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया कौन होता है यहाँ पे, उसका नाम है यहां पे बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। आपको पता होगा कि लेग्यूमिनस फैमिली है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होंगे, उसमें कोई एक पौधा नहीं होगा, दलहनी पौधे जैसे पूरी फैमिली है, बीन आप देख सकते हो, पी प्लांट्स, अलग अलग सब प्लांट्स जो लेग्यूमिनस में आते रहते हैं। तो लेग्यूमिनसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर जो रूट के अंदर जो नोड्यूल बनता है, या आप कह सकते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जहां पर होता है, वो जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा होता है, जैसा कि मैंने इसे कुछ करेक्टर्स बताया है, कुछ पॉइंट्स बताया है, जैसे फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस शो करता है, ग्राम निगेटिव होता है, माइक्रो एरोबिक होता है, माइक्रो एरोबिक होता है। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखो बैक्टीरिया राइजोबियम है लेग्यूमिनेसी फैमिली के, लेकिन राइजोबियम के कई सारे स्ट्रेन होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन। अब ये राइजोबियम के क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइजोबियम, डिफरेंट स्ट्रेन मतलब कहते हैं ना कि जो जीनस है राइजोबियम है उसके बहुत सारे जो स्ट्रेन्स है, है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट लेग्यूमिनेसी फैमिली के साथ में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट नोडल बनाने में हेल्प करते रहते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया सो एसोसिएशन विथ different plant of leguminous family, मतलब कि राइजोबियम की different strain, बहुत अलग अलग strain क्या करता है, अलग अलग प्लांटों के साथ में क्या करता है, leguminous plant साथ nitrogen fixations करता रहता है। इस बात को भी जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा राइजोबियम जापानिको, राइजोबियम फैसियोलाई, तो ये जो नाम दिया जा रहा है ना, ये डिफरेंट स्ट्रेन के नाम है जो अलग अलग लेग्यूमिनेसी प्लांटों के साथ में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशंस करते रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो बैक्टीरिया उसका नाम राइजोबियम है, जो लेग्यूमिनस फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है। देखो आप लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा गया है सिम्बियोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशंस में जो रूट नोड्यूल्स बनता है, मैंने आपको बोला ना कि बेसिकली क्या होता है यहाँ पे देखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप यहाँ पे देखिए, यस देखो स्मॉल नॉब लाइक प्रोट्यूबरेंस रूट नोड्यूल, एक नॉब लाइक कहते हैं ना कि ये रूट जो होती है, ये जो रूट होती है प्लांट की जो रूट होती है इसमें नॉब लाइक ये रूट नोड्यूल बनता है, नोड्यूल बनता है। अगर आप किसी भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट, जिससे मैंने कहा ना अरहर का पौधा देख लो, अगर उसकी रूट निकाल लोगे ना, तो रूट निकालोगे तो वहां पे देखो छोटे छोटे मस्टर्ड, कहते हैं ना कि मस्टर्ड के दाने के बराबर जो होता है ना, सरसों के दाने के बराबर जो होता है ना, वो रूट नोड्यूल, नोड्यूल आपको दिखेगा उसके अंदर,
और वही रूट नोडल होता है जिसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होते रहते हैं। इनकी शेप और साइज वैरी करती रहती है नोबलाई, इनकी शेप एंड साइज क्या होती है वैरी करती रहती है। देखो लिखा गया है शेप एंड साइज वैरी, स्फेरिकल, फ्लैट, फिंगर लाइक या इलांगेटेड, या ये स्फेरिकल गोले की आकार का हो सकता है या कुछ फिंगर लाइक अपेंडिसेस होता है या इलांगेटेड शेप का रूट नोडल बन सकता है। तो जो रूट नोडल बनता है उसका डिफरेंट शेप होता है। और अब ये क्या होता है, अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब देखिए बैक्टीरिया जो पार्टिसिपेट करता है उसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है उसका नाम क्या है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया से। ओके, और आप देख रहे हैं यहां पे, आप देख रहे हैं यहां पे कि नेम्ड आफ्टर द होस्ट प्लांट, किस होस्ट प्लांट, लेग्यूमिनेसी फैमिली में बहुत सारे पौधे हैं ठीक है, जिस होस्ट प्लांट को जैसे पी प्लांट, पी प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसे कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। बीन प्लांट के अंदर, बीन प्लांट भी एक लेग्यूमिनस प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है उसका नाम है राइजोबियम फैसियोलाई। देखो इंपॉर्टेंस समझिएगा, सोयाबीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स करता है उसका नाम है राइजोबियम जापानिकम, लिपिन्स के अंदर जो करता है उसका नाम राइजोबियम लिपिनाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने की है कि पी प्लांट्स के अंदर, पी लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर उसकी रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है वो कौन है राइजोबियम की लेग्यूमिनस सेरम है। बीन प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, बीन प्लांट्स के अंदर जो कर रहा है वो कौन है राइजोबियम फैसियोलाई। तो ये डिफरेंट स्ट्रेन है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट स्ट्रेन है फैसियोलाई। सोयाबीन्स के अंदर जो रूट नोडल फिक्सेशन करता है उसे कहते हैं राइजोबियम जापानिकम। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है ल्यूपिन्स के अंदर जो काज कर रहा है, ल्यूपिन्स के अंदर जो उसका नाम है राइजोबियम लिपिनाई। तो आपसे कभी कभी क्या करता है क्वेश्चंस पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है, एक तरफ प्लांट का नाम ले लेता है, दूसरी तरफ क्या होता है डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइजोबियम का नाम ले लेता है, राइजोबियम के डिफरेंट स्ट्रेन का, कि पी प्लांट, वीन प्लांट, सोयाबीन, और उधर दे दिया राइजोबियम का कौन सा स्ट्रेन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है। ऐसे क्वेश्चन सीएसआईआर में, टीजीटी, पीएचडी, नीट, एकेडमिक में, इवन डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जो बैक्टीरिया राइजोबियम है उसका डिफरेंट स्ट्रेन अलग अलग प्लांटों के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, ये बात आपको समझ में आए। राइजोबियम को बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक आपका होता है टू टाइप्स ऑफ राइजोबियम रिपोर्ट किया जाता है। देखो राइजोबियम एक होता है ब्रैडी राइजोबियम जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज होती है, मतलब राइजोबियम की दो स्पीसीज बेसिकली रिपोर्ट की गई है, जैसे कहा जाता है ना राइजोबियम ब्रैडी राइजोबियम जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज होती रहती है स्लो ग्रोइंग, और दूसरा कौन होता है राइजोबियम। देखिए टू टाइप्स ऑफ राइजोबियम बेसिकली रिपोर्ट करते हैं हम, एक जो स्लो ग्रोथ करता है उसे हम कहते हैं ब्रैडी राइजोबियम, और जो फास्ट ग्रोइंग होता है उसे कहते हैं राइजोबियम। ये बात भी आपको दिख रही होगी स्लाइड के ऊपर। तो आप देखोगे इस तरह से आपने देखा डिफरेंट प्लांट के अंदर, डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट तरह के होप स्ट्रेन राइजोबियम के काम कर रहे हैं। पी प्लांट के साथ राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, बीन प्लांट के अंदर नाइट्रो रूट नोडल जो बना रहा है उसका नाम क्या है राइजोबियम फैसियोलाई, जो सोयाबीन के अंदर राइजोबियम जापानिकम, जापानिकम कर रहा है ठीक ना। तो आपने इस तरह से कहा डिफरेंट स्ट्रेन्स। देखिए इस टेबल्स को देखिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सीएसआईआर क्वेश्चन पूछता रहता है, सीएसआईआर यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है। देखो सीएसआईआर इस टेबल से क्वेश्चंस पूछ लेता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और टीजीटी, पीएचडी, सीएसआईआर, पीएचडी इंट्रेंस कहीं भी एकेडमिक में भी ये क्वेश्चंस आ जाते रहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझिएगा और यहां से क्वेश्चंस
यहाँ पे बस आपको जानना है कि राइजोबियम की डिफरेंट स्पीसीज किस प्लांट के साथ में क्या कर रही है, किस प्लांट के साथ कौन सी राइजोबियम की स्ट्रेन रूट नोड्यूल को बनाने में हेल्प करती रहती है। यहाँ डिफरेंट ग्रुप दिया गया है और उनके साथ प्लांट के लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स के नाम दिए गए हैं। देखिए जैसे देखो, अगर आप देखोगे कि अल्फोपा स्वीट क्लोवर्स, देखो यहाँ पे होस्ट चंद्राकर दिया गया रहेगा और कौन कौन से बैक्टीरिया इनके साथ रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप देखें जैसे दिया है, अब यहाँ पे आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, अल्फाल्फा ग्रुप देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अल्फाल्फा ग्रुप, इस ग्रुप के मेंबर्स में अल्फाबा कौन होगा, राइजोबियम मेलियोटाइट ये काम करता रहता है। और इसमें कौन कौन से स्पेशली आते हैं आपको ध्यान रखना होगा, मेडिकागो मेलियोलेटस ट्राइगोनेला। यहाँ पे दिया गया है क्लोवर ग्रुप्स, देखिए ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोवर ग्रुप्स इस ग्रुप में, क्लोवर ग्रुप्स में राइजोबियम ट्राइफोलाई ट्राइफोलियम्स के अंदर से क्लोवर्स करते हैं। देखिए पी ग्रुप्स जो लेग्यूमिनस प्लांट का होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम्स पाइसम जिसे कहते हैं पी। ओके यहां पे जो पी ग्रुप्स में और आते हैं उनमें कौन कौन से हैं, वेसिया लिथायरस लेंस, ठीक है। अब देखो यहां ग्रुप से पहचानना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, वेसिया लिथायरस लेंस जिसे कहते हैं आपको वेट्स स्वीट पी लेंटिन। तो आप देखो भाई इस ग्रुप में कौन काम करता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। इधर देखिए जो अगला है बीन ग्रुप, इस बीन ग्रुप इसमें कौन होता है, राइजोबियम फैसुलाई, ये स्ट्रेस काम करता है इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस काम करता रहता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता रहता है, फैसुलस कोष चंद्रा का नाम है और यहां पे बीन्स। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, जो आपसे पूछ लेता है कि किस ग्रुप में किस प्लांट्स के अंदर राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती रहती है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपको हमेशा इसको रिमेम्बर किए रहना चाहिए। अगर आप कोई भी एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो इस टेबल को एक बार देख के जाइए और यहां से क्वेश्चन मैचिंग का आ जाता रहता है। ओके देखो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, देखो क्लोवर सोयाबीन अल्फाल्फा ल्यूपिन स्पिनट्स दीज आर द लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। ओके जो जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। मैंने बोला देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने क्या जाना था, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया दैट इज नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपसे बताया था ना कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। वीडियो के फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी, अगर आपको रिमेम्बर है हम लोगों ने बात की थी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। मैंने कहा ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पा गया है मैंने आपसे बताया था, क्योंकि हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हाई एनर्जी बॉन्ड वहां पे है, 3 covalent बॉन्ड होता है जिनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जो प्लांट्स है वो चाहता है मिनिमम एनर्जी इन्वॉल्व हो और हमको नाइट्रोजन मिल जाए, इसीलिए अमोनियम साल्ट को बायोलॉजिकल प्रोसेस में लेता है। प्लांट किस रूप में नाइट्रोजन को लेता है तो आपको पता है, नाइट्रेट के रूप में प्लांट को टेकअप करता है, नाइट्रेट के रूप में प्लांट को टेकअप करता है, ये भी क्वेश्चन कई बार चुका है।
अभी तक क्या कंडीशन है सबको समझ में आ रहा है? रिप्लाई करिए एक बार मेरे को, रिप्लाई करो मेरे को एक बार आप लोग, रिप्लाई करिए क्या कंडीशन है, यहां तक क्लियर है? देखो आप लोग, यहां तक की बातें क्लियर आपको है, सबको समझ में आ गई? एक बार मुझे रिप्लाई करिए, मोनू, अंजलि, सुमन, रोहिना, वंदना, साक्षी, श्वेता, राजेंद्र, रिप्लाई करिए क्या कंडीशन आप लोग को, यहां तक कोई डाउट्स? आपको बस इतनी सी मैंने बात बताई कि राइजोबियम के डिफरेंट स्ट्रेन है और डिफरेंट लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन कास्ट करता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता रहता है। ओके चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं वीडियोस को प्लांट फिजियोलॉजी पे चल रही है, अभी मैंने सेल बायोलॉजी बनाया है, इकोलॉजी बनाया है, अभी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। दो सेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं जहां आपको लैक ऑपरान यानी जीन रेगुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। साथ साथ दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने वाला डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो सीएसआईआर में सबसे ज्यादा आता है उसके लेक्चर्स मिलेंगे आपको वेरी श्योर। और सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के ये सिक्वेंस है, आएगा एक करके लेक्चर्स है, बट आप उसको देख। अभी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ होल बायो। ठीक है चलो अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है अभी देखो इस स्लाइड के ऊपर, देखो जो स्लाइड्स मैं दिखा रहा हूँ इस स्लाइड पे, आप देखिए जिस स्लाइड्स को दिखा रहा हूँ इसमें एक आउटलाइन बताई गई है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता रहता है, रूट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेती रहती है इसके बारे में दिया गया है। देखो इस स्लाइड में आप देख सकते हो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे यहां पे देखिए दिया हुआ है एक, देखिए होता क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कहां किया जा रहा है? सोयल के अंदर रूट। देखो रूट नोडल में फिक्स किया जाता है, बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। ओके तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया जाता है सबसे पहले किसमें? अमोनियम साल्ट के रूप में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता है। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनियम के अंदर, अमोनियम साल्ट। देख रहे हो अमोनियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, उसको किस रूप में कन्वर्ट करते हैं? अमोनियम साल्ट के रूप में। दैट इज नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। या कहते हैं प्लांट की डेथ हो जा या एनिमल की डेथ हो जा, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉइल के अंदर ह्यूमंस के प्लांट की डेथ हो जाए और प्लांट की डेथ हो जाए और जो लीफ डिकम्पोज कर जाए, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल के नीचे आ जाते हैं जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं सॉइल में? ह्यूमस के रूप में कहा जाता है, जिन्हों हम लोग कहते हैं ह्यूमस के रूप में कहते हैं। आप देख सकते हो जिन्हें कहते हैं ह्यूमस, आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी के अंदर जब लीफ डिकम्पोज होती है, प्लांट की लीफ फॉल डाउन होता है और नीचे सॉइल पे फॉरेस्ट फ्लोर पे जो जो लीफ आती है डिकम्पोज लीफ होती है उसे कहते हैं ह्यूमस। एक होता है लीटर, एक होता है डफ, एक होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? डिकम्पोज्ड। तो कहते हैं या तो प्लांट की डेथ हो जाए या लीफ गिर जाए, डिकम्पोज हो जाए, और ये जो डिकम्पोज हो गया है इसको अमोनिया फाइन बैक्टीरिया, देखो यहां पर लिखा हुआ है जो जैसे मैंने कहा प्लांट ऑर्गेनिक ह्यूमस, इसको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो होता है इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो या जो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल के अंदर जो होता है जो ह्यूमस के रूप में होता है प्लांट की डेथ के बाद, लीफ की डेथ के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल था उस पर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया काम करता है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है।
और अमोनिया को फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, फिर अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, देखिए इस अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट में, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट। और मैंने आपसे बताया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सबसे पहले नाइट्रोजन सॉल्ट अमोनिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया को फिर से कन्वर्ट करता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट के अंदर, और यही नाइट्रेट प्लांट क्या करता है अपने अंदर टेकअप करता है, यानी एब्जॉर्प्शन फॉर्म में लेता है नाइट्रेट। अब देखो यही नाइट्रेट इंटर कहाँ कर रहा है, इंटर कर रहा है रूट के अंदर, ये क्या है रूट है, तो रूट प्लांट की रूट टेकअप किसको कर रही है, नाइट्रेट को टेकअप कर रही है, नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कर रही है, नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कर रही है, आगे देखेंगे क्या। और कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ऊपर देखो लिखा है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में फिर से नाइट्रोजन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम लोग इसको जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे, फिलहाल हमको एक प्रोसेस समझ में आया कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट किया, और यही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनियम को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, और यही नाइट्रेट क्या होता है, देखो ऊपर लिखा गया है यही नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट एंड नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सपोर्ट इन जाइलम टू द शूट सिस्टम, यानी नाइट्रेट और नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ही प्लांट के कहते हैं जाइलम से शूट अपेक्स तक क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये आउटलाइन एक आपकी मैकेनिज्म है कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया गया, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया, और नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है जाइलम से पहुंचाता है कहां पे शूट अपेक्स सिस्टम। तो ये क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक आउटलाइन। अब हम पहले ये जानेंगे, यही बात तो मैंने बताई थी, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू द अमोनिया, अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। इन आगे हम लोग देखते हैं, फिर यहां पे थोड़ी बातें हमको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। देखो नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन यानी रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोग जानेंगे। मैंने बोला नोड्यूल रूट नोड्यूल्स, देखिए रूट नोड्यूल कहाँ बनेगा, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या है नोड्यूल बनता है, और उसी नोड्यूल में नाइट्रोजन का क्या होता है फिक्सेशन होता रहता है, उसी के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता रहता है। जैसे अब देखो ये आपका रूट है और यहां पे ये बनते हैं रूट नोड्यूल, और यहां क्या होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। यहां पे लिखा गया है नोड्यूल, देखिए बहुत ध्यान रखिएगा इस पॉइंट्स को, नोड्यूल रूट नोड्यूल आर ऑर्गन्स इंड्यूस ऑन द मोस्ट स्पीसीज ऑफ द लेग्यूमिन प्लांट बाय द सिम्बायोटिक एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया जनरा एजोराइजोबियम ब्रैडीराइजोबियम। देखो यहां पे ध्यान समझिए आप लोग, ब्रैडीराइजोबियम मेजोराइजोबियम राइजोबियम एंड सिनोराइजोबियम कलेक्टिवली इन सबको क्या कहा जाता है, ये डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे लिखा गया ना एजोराइजोबियम ब्रैडीराइजोबियम मेजोराइजोबियम राइजोबियम सिनोराइजोबियम, कलेक्टिवली इनको कहा जाता है राइजोबिया, याद रखिएगा राइजोबिया कहा जाता है।
कहते हैं नाड़ियों को बनाने में कुछ हार्मोन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। नाड़ियल फॉर्मेशन इन्वॉल्व सेवरल सेवरल फाइटो हार्मोन्स। टू प्रोसेस इन्फेक्शन एंड नाड़ियल फॉर्मेशन ऑर्गेनिसिस टेक्स प्लेस अलोंग विद। देखो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना यहां को है। देखिए यहाँ पे नाड़ियल का फॉर्मेशन कैसे होता है इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। नाड़ियल बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है राइजोबिया, ठीक ना। और ये राइजोबिया और कुछ फाइटो हार्मोन्स भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं नाड़ियल को फॉर्मेशन करने में। और नाड़ियल का फॉर्मेशन कैसे होता है इस स्टेप को हम लोग समझेंगे। पहले कुछ जीन के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ हम लोग जीन के बारे में करेंगे। यहां से सीएसआईआर नाड्यूल फॉर्मेशन, नाड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज को हम लोग जानेंगे। रूट नोड्यूल फॉर्मेशंस, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ जीन का नाम बहुत जानना जरूरी है। जीन इन्वॉल्व्स इन, देखिए जीन इन्वॉल्व इन नोड्यूल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन में। यानी यहां से सीएसआईआर लगातार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट नोड्यूल को फॉर्मेशन में कौन कौन से नॉड जीन इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में सीएसआईआर में बहुत क्वेश्चंस आता रहता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं रूट नोड्यूल को बनाने में। जीन्स इन्वॉल्व इन द नोड्यूलेशन नोड्यूल फॉर्मेशन, दो तरह के कौन कौन जीन देखो। प्लांट के कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट जीन इन्वॉल्व्स इन नोड्यूल फॉर्मेशन। प्लांट के कौन कौन से जीन पार्टिसिपेट करते हैं नोड्यूल को बनाने में, रूट नोड्यूल को बनाने में। और बैक्टीरिया के कौन कौन से जीन होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जीन इन्वॉल्व इन नोड्यूल फॉर्मेशन। देखो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। दो तीन बार सीएसआईआर में दो तीन बार आ चुका है, आईसीएआर में, गेट लाइफ साइंस में कई बार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। प्लांट जीन इन्वॉल्व इन नोड्यूलेशन फॉर्मेशन उन्हीं कहा जाता है, कॉल्ड प्लांट जीन इन्वॉल्व इन नोड्यूल फॉर्मेशन दैट इज नोन एज। यहां समझने वाली है कॉल्ड नोड्यूलेशंस जीन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट के वो जीन जो रूट नोड्यूल को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं नोड्यूलेशन जीन, उन्हें कहा जाता है नोड्यूलेशन जीन। और बैक्टीरिया के जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं नोड्यूल के बनाने में उन्हें कहा जाता है देखिए मिस्टेक हो गया है सॉरी
इस तरफ देखो, ये भाई मिस्टेक है, इसको नॉडुलेशन चेंज नहीं कहते हैं, इन्हीं कहा जाता है जो प्लांट को होते हैं उन्हीं कहा जाता है नॉडुलिन चेंज, उन्हीं कहा जाता है नॉडुलिन चेंज, ध्यान रखिएगा, उन्हीं कहते हैं प्लांट के जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं नॉडुलिन जीन, उन्हें कहते हैं नॉडुलिन जीन कहते हैं। यहां पे एक पॉइंट समझने की देर है, देखो कि प्लांट के जो जीन रूट नॉडुल को बनाने में हेल्प करते हैं उनका नाम क्या कहेंगे, नॉडुलिन जीन उन्हें कहा जाएगा, और जो बैक्टीरिया का जीन इन्वॉल्व होगा नॉडुल को बनाने के लिए उन्हें कहते हैं उनका नाम क्या होगा, नॉडुलिन जीन। देखो अब यहां पे बैक्टीरिया के जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें कहा जाता है कॉल्ड नॉडुलेशन जीन। यहां पे समझिएगा दोनों टर्म्स को, एक को नॉडुलिन जीन है और दूसरा क्या है, नॉडुलेशन जीन। तो बैक्टीरिया का जो जीन इन्वॉल्व होगा लाइक रूट नॉडुल को बनाने के लिए, नॉडुल को बनाने के लिए, उसको कहेंगे नॉडुलेशन जीन, और जो प्लांट का जीन इन्वॉल्व होगा नॉडुल को बनाने के लिए उसको बोलेंगे हम नॉडुलिन जीन, नॉडुलेशन जीन और नॉडुलिन जीन। इन टर्मों को सीएसआईआर में एक बार प्रीवियस के पेपर्स को देखिएगा, एक बार यही क्वेश्चन दो स्टेटमेंट आया हुआ है, सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर को देखना जाके आप लोग, एक बार यही दोनों टर्म पूछा हुआ है कि प्लांट का जो जीन इन्वॉल्व होता है नॉडुल को बनाने वाला उसे नॉडुलिन जीन कहते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया का जो जीन इन्वॉल्व होता है नॉडुल को बनाने वाला है उसका नाम क्या है, नॉडुलेशन जीन। ओके, इसी को दूसरे रूप में कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉड जीन, नॉट जीन भी कहते हैं, नॉट जीन भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, क्वेश्चन आया हुआ सीएसआईआर का। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया के, देखो अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर नॉट जीन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर नॉट जीन्स क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है। बैक्टीरिया के नॉट जीन की बातें करें तो यहाँ पे देखिए, उसके डीएनए की बात करें, उसके डीएनए पे कौन कौन से जीन का अरेंजमेंट होता है उसको हमको थोड़ा समझ लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपका है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपका है बैक्टीरिया, इसका राइजोम बैक्टीरिया का जो नॉडुलेशंस जीन है और नॉट जीन्स है, नॉडुलेशंस जीन या नॉट जीन्स जो पार्टिसिपेट करता है नॉडुल को, उनको हम बेसिकली कहते हैं, दो तरह के जीन्स होते हैं यहाँ पे, अगर उनके डीएनए का अरेंजमेंट देखा जाए तो यहाँ पे एक होता है नॉट डी जीन्स, एक होता है नॉट से कहते हैं कॉमन नॉट जीन, तीसरा ग्रुप इसमें होता है होस्ट स्पेसिफिक नॉट जीन। ये सीएसआईआर का लगातार क्वेश्चंस आता रहता है, लगातार क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर नॉडुलेशन या नॉट जीन्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देख लीजिए सीएसआईआर में, आईसीआर
या गेट लाइफ साइंस प्लांट फिजियोलॉजी के सेक्शन में देखें, लगातार क्वेश्चन यहीं से रहता है। आपको याद होना चाहिए इन जीनों के नाम। आप देखोगे जो नॉट जीन्स होता है, जो नॉट जीन होगा, देखो नॉट जीन्स क्या होता है, बेसिकली नॉट प्रोटीन बनाता है। नॉट प्रोटीन एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यार इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीएसआईआर में पूछ चुका है, सीएसआईआर में ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन आ चुका है। यही स्टेटमेंट सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि नॉट डी जीन्स क्या करता है, नॉट प्रोटीन को बनाता है, और नॉट प्रोटीन एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होती है, नॉट एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होती है, और ये बाइंड करता है, बाइंड टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बाइंड टू नॉट बॉक्स प्रमोटर ऑफ अदर जीन। मतलब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीएसआईआर में ये स्टेटमेंट आ चुका है। नॉट डी जीन्स क्या होता है, नॉट प्रोटीन को बनाता है, और नॉट प्रोटीन क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, और न्यूक्लियस में जाके जो नॉट बॉक्स होता है, प्रमोटर रीजन होता है अदर जीन्स, दूसरे जीन के, उनसे क्या करता है, उनको ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता रहता है। तो नॉट डी प्रोटीन्स क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी सीएसआईआर में पूछा जा चुका है। ओके, दूसरा होता है कॉमन नॉट जीन्स की मैं बात करूं, कॉमन नॉट्स जीन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नॉट ए, नॉट बी और नॉट सी। नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी कॉमन नॉट जीन्स होते हैं जो सभी राइजोबियम के स्ट्रेन में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल स्ट्रेन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सीएसआईआर कम से कम 3 times पूछा हुआ है, गेट लाइफ साइंस सीएसआईआर आईसीआर में 3 times ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब कॉमन नॉट जीन्स जो होते हैं, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी जो होते हैं, वो सभी राइजोबियम में पाए जाएंगे, ऑल स्ट्रेन ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी ये कॉमन है, ठीक ना, ये क्या है, कॉमन है, जो सभी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे। और होस्ट स्पेसिफिक नॉट जीन्स कौन होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। होस्ट स्पेसिफिक नॉट जीन्स कौन कौन से होते हैं ये जानेंगे हम, होस्ट स्पेसिफिक नॉट जीन्स इनमें कौन कौन से आते हैं, बेसिकली नॉट ई, देखो यहां पे बहुत सारे हैं, मैंने बोला नॉट ई, नॉट एफ, नॉट पी, नॉट क्यू, नॉट क्यू जीन्स, नॉट एच, नॉट एल, नॉट एल जीन्स, यानी नॉट ई, नॉट एफ, नॉट पी, नॉट क्यू, नॉट एच और नॉट एल, दीज आर होस्ट स्पेसिफिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट होस्ट स्पेसिफिक, मतलब ये होस्ट की जो इसका डिफरेंट स्ट्रेन है ना, उनमें अलग अलग पाएगा, किसी एक स्ट्रेन में नॉट ई पाया जाएगा तो दूसरे में ई नहीं पाया जाएगा, दूसरे में क्या पाया जाएगा, एफ, किसी में पी पाया जाएगा तो किसी में क्यू पाया जाएगा, किसी में एच पाया जाएगा, किसी में एल पाया जाएगा,
तो ये जो क्या है होस्ट की डायवर्सिटी को डिसाइड करते हैं कि राइजोबियम का कौन सा स्ट्रेन किस लेग्यूमिनस प्लांट से जाके क्या करेगा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने बात कही है, दीज आर द होस्ट स्पेसिफिक एंड डिसाइड विच राइजोबियम स्ट्रेन एसोसिएट विथ विच लेग्यूम्स प्लांट। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि कौन सा राइजोबियम का स्ट्रेन किस लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में एसोसिएशन करेगा, ये डिसाइड कौन करता है, होस्ट स्पेसिफिक नॉड जीन। किसी में नॉड ई पाया जाएगा तो दूसरे में नॉड ई नहीं पाएगा, कॉमन जीन सभी में पाए जाएंगे, कॉमन जीन सभी में पाए जाते हैं। ये बात आपको CSIR 2-3 टाइम्स पूछ चुका है कि कॉमन नॉड जीन्स का नाम बताओ, होस्ट स्पेसिफिक नॉड जीन का नाम बताओ, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा नॉड डी जीन्स एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, कॉमन नॉड जीन्स कौन कौन से होते हैं, ABC जो सभी बैक्टीरियल स्ट्रीम में पाए जाएंगे, और जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो कौन होते हैं, नॉड ई, नॉड एफ, नॉड पी, नॉड क्यू, नॉड एच, नॉड एल, दीज आर द होस्ट स्पेसिफिक, और यही होस्ट स्ट्रेन स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करते रहते हैं। ये बात आपको CSIR क्वेश्चन में लगातार आया हुआ है। अगर आप देखो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, आप अगर देखें यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, CSIR नेट दिसंबर 2000 क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी लोग मेरे को बताओगे इस क्वेश्चन के जवाब। CSIR नेट 2015 में क्वेश्चंस आपके सामने आया हुआ, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ मेरे को, एवरीबडी रिप्लाई मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस का जवाब बताइए आप लोग, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चलो रिप्लाई करो एवरीबडी, सभी रिप्लाई करो इस क्वेश्चंस का जवाब, चलिए बताइए आप लोग। सृष्टा, रुहिना, अंजलि, सुमन, सौक्षी, एवरीबडी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन CSIR में देखिए ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, जैसे लिखा देखो। अब यहां को समझने की जरूरत है कि द नोडुलेशंस जीन आर क्लासिफाइड एज द कॉमन नॉड जीन्स एंड होस्ट स्पेसिफिक नॉड जीन्स। Some of the statement given related to the such classification are given. Nod A is a common nod genes and nod C is a host specific. तो मैंने आपको बता दिया ना, आपको याद है मैंने बोला common nod gene कौन है, A, B और C। तो पहला स्टेटमेंट देखो, आपको देखने से पता चल रहा होगा नॉड सी होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नॉट बी इज ए कॉमन नॉट एंड नॉट पी इज ए होस्ट स्पेसिफिक। इस पॉइंट को देखिए, नॉट बी इज ए कॉमन नॉट एंड नॉट पी इज ए होस्ट स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। मैंने बोला स्पेसिफिक में मैंने नाम क्या क्या था, होस्ट स्पेसिफिक नॉट जीन का नाम मैंने बताया था पी क्यू एच एल ई एफ, दिस आर द होस्ट स्पेसिफिक, मैंने बताया था ना होस्ट स्पेसिफिक। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है। नॉट क्यू इज अ कॉमन नॉड जीन, तो ये भी गलत हो गया। नॉट एच इज ए कॉमन नॉड जीन, ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, बहुत लोगों ने आंसर दिया है 4, बिल्कुल सही, जिन्होंने नॉट 4 आंसर दिया है दे आर द एब्सोल्युटली राइट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी।
ओनली बी ऑप्शन सही है। सी एस आई आर में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ओके यहां तक की बात आपको क्लियर हुई, आपको समझ में आया ये बात जो मैं आपको बातें बताया हूं, जिस तरह से क्वेश्चंस आया हुआ है वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब हम देखेंगे कि कैसे नोडल के फॉर्मेशन में ये जीन पार्टिसिपेट करते हैं। ओके कैसे नोडल के फॉर्मेशन में जीन पार्टिसिपेशन करते हैं। ओके देखो आपने ये चीज देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इस डायग्राम को देखिए, नॉट जीन क्लस्टर फंक्शंस, नॉट जीन्स क्लस्टर फंक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां आपको समझना है, यहां आपको समझना है कैसे ये काम करते रहते हैं, कैसे ये काम करते रहते हैं। अगर हम बात करें नॉट जीन क्लस्टर रीजंस फंक्शंस की, तो जो नॉड जींस होते हैं बैक्टीरिया के, जो नॉड जींस होते हैं किस तरह से अरेंज होते रहते हैं और ये कैसे काम करते रहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो होता क्या है कि यहां इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले जो आपको समझना है कि ये देखो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट के चारों तरफ, रूट हेयर के चारों तरफ पाया जाता है। देखो इस डायग्राम में देखो यहां पे आप देखिए ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये क्या है, ये है रूट हेयर्स, ये क्या है रूट हेयर्स जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट हेयर है। और नाइट्रोजन फिक्सेशंस का एक चीज और ध्यान रख लो आप लोग, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए हमने बताया कि देखो कैसे प्रोसेस होता है कि बैक्टीरिया नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसा है, कैसे इसके पास आता है, रूट के पास आता है, कैसे रूट के अंदर इंटर करता है, कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, अब इस प्रोसेस को हम लोग समझें। इस प्रोसेस में देखो जो प्लांट का रूट है, ये रूट हेयर होता है, इसके चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट होता है, इस इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर एरिया अराउंड रूट, रूट के चारों तरफ का जो एरिया होता है ना उसे कहते हैं राइजोस्फीयर। और इसी में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम क्या है, राइजोबियम, राइजोबियम पाया जाता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वहीं पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ऐसा नहीं है कि लेग्यूमिनस प्लांट के बिना ये राइजोबियम सर्वाइव कर पाएगा, सर्वाइव कर सकता है, तभी तो मैंने नाम दिया था इसका क्या, फैकल्टेटिव सिंबायोसिस। इसी रूट इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो राइजोस्फीयर होता है उसमें राइजोबियम पाया जाता है। जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन की बात आती है तो राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट में इंटरेक्शन होता है ताकि नोड्यूल का फॉर्मेशन किया जा सके, ताकि नोड्यूल का फॉर्मेशन किया जा सके। तो राइजोबियम इसी रूट राइजोस्फीयर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, उसके रूट के चारों तरफ पाए जाते रहते हैं। जब इनको नोड्यूल बनाना होता है तो इनके बीच में सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन शुरू होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला प्रोसेस क्या होता है, अब ध्यान से समझो। देखो इसको कहते हैं
समझिएगा मेरी बात। देखिए यहां पे क्या होता है, देखो ये मैं बोल रहा हूं ये प्लांट कि ये क्या है रूट हेयर्स और ये है रूट हेयर और ये रूट, ये लेग्यूमिनस प्लांट। अब बैक्टीरिया यहां पे पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। कीमो अट्रैक्टेंट होता है मतलब कि प्लांट की रूट, दैट इज रूट सीक्रेट, सीक्रेट सर्टेन केमिकल, केमिकल फॉर अट्रैक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के लिए रूट के द्वारा कुछ केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट। ओके, इसे कहते हैं कीमोटैक्ट, कहते हैं कि कुछ केमिकल रूट के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं जिसके द्वारा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कीमोटैक्ट, कुछ केमिकल सीक्रेट करता है रूट हेयर से, रूट से ही सीक्रेट होता है और जो बैक्टीरिया को अपनी तरफ क्या होता है अट्रैक्ट करता है। वो केमिकल क्या हो सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड्स, कुछ फ्लेवोनॉइड कंपाउंड सीक्रेट करता है और रूट, रूट का फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स, फ्लेवोनॉइड्स इसको सीक्रेट करता है रूट, जिससे बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है, बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है रूट हेयर की तरह। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फ्लेवोनॉइड्स ये रूट्स हेयर, जो रूट हेयर है सीक्रेट किया कंपाउंड्स फ्लेवोनॉइड्स, और ये फ्लेवोनॉइड्स क्या कर रहा है, फ्लेवोनॉइड्स क्या कर रहा है, देखो ये बात समझा ना कि प्लांट के रूट हेयर्स ने एक केमिकल कंपाउंड सीक्रेट किया, कीमो अट्रैक्टेंट से कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स फ्लेवोनॉइड्स, और ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करता है, अब देखिए ध्यान सुनिए, सबको बात समझ आ रही होगी। और इस फ्लेवोनॉइड ने क्या किया, नॉर जीन को एक्टिवेट किया, नॉर जीन को एक्टिवेट किया, नॉर जीन किसका था, राइजोबियम नॉट डी, नॉट डी प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया। और बैक्टीरिया की नॉट, देखो इस फ्लेवोनॉइड कंपाउंड जो सीक्रेट किया बैक्टीरिया के वॉल से जाके इंटरैक्ट हुआ और एक सिग्नल अंदर गया जो एक्टिवेट किया नॉट डी जीन्स को, नॉट जी जीन्स जो नॉट डी प्रोटीन्स था, नॉट डी प्रोटीन्स जिसकी मैंने चर्चा आगे की थी, देखो मैंने बता दी इसको सबसे पहले किया, किसको किया, इस नॉट डी को। और नॉट डी किस तरह से काम करता है मैंने आपको बताया है, नॉट डी एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच बाउंड टू द नॉट बॉक्स, नॉट बॉक्स से बाइंड करता है और प्रमोटर ऑफ अदर जीन्स, अदर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है। देखो ये लिखा है ना एक्ट एज ए, तो नॉट डी जीन्स क्या होता है, एक्ट एज जो प्रोटीन होती है ट्रांसक्रिप्शन, ये बात भी आपको समझ में आ रही हो। देखो हुआ क्या,
नॉट डी ने क्या किया, नॉट डी ने, अब तो पहला प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हुआ कि रूट हेयर ने एक कीमो अट्रैक्टिंग कंपाउंड सिक्रेट किया जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स, और ये फ्लेवोनॉइड्स ने क्या किया, जो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके नॉट डी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, और नॉट डी प्रोटीन को जब ये केमिकल गया उसकी वॉल से सिक्रेट, बैक्टीरिया के वॉल के अंदर गया और नॉट डी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया, और नॉट डी प्रोटीन ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रही है और ये अदर नॉट डी जीन को, अदर नॉट जीन को एक्टिवेट कर रही है, अदर नॉट जीन को, देखो ये नॉट डी मैंने क्या बताया था आपको याद हो तो मैंने बताया था ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, और ये गया और बाइंड किससे किया, प्रमोटर रीजन से, और प्रमोटर पर क्या होता है, नॉट बॉक्स, ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, नॉट डी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रही है, और ये गया अदर जो जीन्स हैं, जो कॉमन जीन्स हैं उनके नॉट बॉक्स जो प्रमोटर रीजन होता है वहां स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं जो इन नॉट जीन को एक्टिवेट करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉट बॉक्स, यानी नॉट जीन को ट्रांसक्राइब करने वाले जो स्पेसिफिक प्रमोटर रीजन पे डीएनए सीक्वेंस होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, नॉट बॉक्स जीन, जैसे आपने पढ़ा होगा कैट बॉक्स, टाटा बॉक्स, वैसे ही नॉट जीन को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रमोटर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होता है उन्हें कहते हैं नॉट बॉक्स जीन, इस नॉट बॉक्स से बाइंड करता है और अदर नॉट जीन्स का क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, नॉट जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ये नॉट जीन्स किसको बनाते हैं, नॉट फैक्टर्स को बनाते हैं, नॉट जीन्स किसको बनाते हैं, फॉर नॉट फैक्टर, नॉट फैक्टर्स क्या होता है, नॉट फैक्टर्स को बनाते हैं, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करते हैं, नॉट फैक्टर को, नॉट फैक्टर्स क्या होता है, लाइपोकाइटिन, ओलिगोसैकेराइड, लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड कंपाउंड होता है, इसका मतलब प्रोसेस क्या हुआ, एक बार सभी लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात, रूट हेयर ने क्या किया, एक केमिकल को सिक्रीट किया उसको कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स, इसकी वजह से इस केमिकल कंपाउंड से बैक्टीरिया के वॉल के अंदर गया और उसको क्या किया, नॉट डी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, नॉट डी प्रोटीन ने क्या किया, नॉट बैक्टीरिया के अदर नॉट जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया, उसके नॉट बॉक्स पे बाइंड किया, अदर नॉट जीन कौन, नॉट ए बी सी और होस्ट स्पेसिफिक जीन, उनका क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, उन नॉट जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोटीन बनी वो एक नॉट फैक्टर को बनाती है जिसे कहते हैं लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड, और यही क्या करता है, यही क्या करता है, नॉड्यूल के फॉर्मेशन में मदद करता है, यही क्या करता है, नॉड्यूल के फॉर्मेशन में मदद करता है, अब ये क्या करता है, यहां समझिए, इनिशिएट नॉड्यूल फॉर्मेशन, तो आपको ये बात समझ में आई यहां तक की कहानी, देखो यहां पर देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए, डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम में क्या हुआ, देखो इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, सबसे पहले देखिए ये रूट है, ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट, ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट रूट, ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट, और इस रूट ने सिक्रीट किया, रूट कॉलोनी ने सिक्रीट किया फ्लेवोनॉइड, सिक्रीट किया रूट ने, रूट हेयर ने सिक्रीट किया एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स ने क्या किया, देखिए इस फ्लेवोनॉइड्स ने क्या किया, इस फ्लेवोनॉइड्स ने क्या किया,
फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड ने क्या किया, राइजोबियम प्रोटीन नॉट डीप प्रोटीन एक्ट को एक्टिवेट कर दिया। राइजोबियम प्रोटीन नॉट डी जो है उसको क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। देखो फ्लेवोनॉइड ने किसको एक्टिवेट कर दिया, नॉट डी प्रोटीन को, और नॉट डी प्रोटीन किसके पास है, राइजोबियम के पास। राइजोबियम बैक्टीरिया के नॉट डी प्रोटीन को क्या कर दिया, फ्लेवोनॉइड्स। अंजलि जी स्लाइड पे देखिए आपका ध्यान किधर है, कितनी बार बोल रहा हूं जो केमिकल सीक्रेट हो रहा है उसका नाम फ्लेवोनॉइड्स, ध्यान से देखिए फ्लेवोनॉइड्स बोल रहा हूं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केमिकल कंपाउंड्स है, इसको सीक्रेट करता है फ्लेवोनॉइड्स। ये क्या केमिकल सीक्रेट करता है, दैट इज द फ्लेवोनॉइड्स, यही तो है, देखो ये फ्लेवोनॉइड्स। अब देखिए नॉट डी प्रोटीन्स जो आपकी नॉट डी प्रोटीन्स से मैंने आपको क्या बताया था, ये कैसे काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, टीएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। और ये नॉट डी प्रोटीन्स किससे बाइंड करती है, नॉट बॉक्स से बाइंड करती है। ये किससे बाइंड किया, नॉट डी प्रोटीन्स बाइंड टू नॉट बॉक्स जीन। नॉट बॉक्स जीन के बारे में मैंने बताया कि नॉट बॉक्स क्या होता है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं प्रमोटर रीजन पे जो नॉट जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते रहते हैं, नॉट जीन के ट्रांसक्रिप्शन को। अब देखो यहाँ पे नॉट ए बी सी तो सभी स्ट्रेन में पाए जाएंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर नॉट ए बी सी तो हमेशा पाए जाएंगे, सभी नाइट्रोजन बैक्टीरिया के अंदर जो भी स्ट्रेन होगा सभी स्ट्रेन में क्या पाया जाएगा, नॉट ए बी सी पाया जाएगा। देखो नॉट ए बी सी पाया जाएगा, नॉट ए नॉट बी और नॉट सी, दीज आर द कॉमन नॉट जी, ये कॉमन है, ये तो सभी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा। इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इन नॉट जीन का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है जो ट्रांसक्राइब होते हैं। और यहां पे होस्ट स्पेसिफिक कौन है, एक मैंने बताया ये होस्ट स्पेसिफिक है, होस्ट स्पेसिफिक कौन का होता है, जब मान ली पर्टिकुलर प्लांट होगा, मैंने बोला कि ये लेग्यूमिनस कॉमन मैंने प्लांट बताया, हो सकता है यहां पे बीन प्लांट हो, यहां पे पी प्लांट हो, अगर जो प्लांट होगा उसके साथ स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक नॉट जीन एक्टिवेट होगा, स्पेसिफिक नॉट जीन एक्टिवेट, लेकिन कॉमन नॉट जीन सभी में ट्रांसक्राइब होंगे, सभी में ट्रांसक्राइब होंगे। और मैंने आपको बताया कि ये जब ट्रांसक्राइब होते हैं तो किसको बनाते हैं, नॉट फैक्टर्स को बनाते हैं, किसको ट्रांसक्राइब होने को बनाते हैं, ये ट्रांसक्राइब होते हैं तो नॉट फैक्टर को बनाते हैं, नॉट फैक्टर्स को ट्रांसक्राइब करते हैं। देखो यहां पे देखिए ये रूट हेयर्स है, यहां पे देखो आपको फुली समझ मेरी बात आ जाएगी एक बार में, देखो कि जो रूट है वो रूट क्या सीक्रेट कर रहे हैं, फ्लेवोनॉइड कंपाउंड किसको एक्टिवेट कर रहा है, नॉट डी प्रोटीन्स, नॉट डी प्रोटीन्स क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम कर रहा है। यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोग को, देखो इसने क्या किया, देखो समझिए रूट सीक्रेट्स किया केमिकल फ्लेवोनॉइड्स किससे बाइंड किया, नॉट डी प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से, और ये जाके बाइंड किससे किया, नॉट बॉक्स से। नॉट बॉक्स क्या होता है, प्रमोटर रीजन पे पाए जाते हैं नॉट बॉक्स, और नॉट बॉक्स ने क्या किया, इस नॉट जीन्स का क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया और यहां से जो प्रोटीन बनी उसका कहते हैं नॉट प्रोटीन बना, और ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन,
और जो प्रोटीन बन के जो है नॉट प्रोटीन और नॉट प्रोटीन इन्वॉल्व होती है इन नॉट फैक्टर्स फॉर्मेशन। ये नॉट फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिनको मैंने बताया था, क्या नाम बताया, लाइपोक्वाइटिन ओलिगोसैकेराइड, लाइपोक्वाइटिन ओलिगोसैकेराइड। और ये नॉट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अब जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि एक्टिवेशन ऑफ अर्ली, अब यहां पे ध्यान रखने की बात है कि ये नॉड फैक्टर्स क्या करते हैं, नॉड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन द नॉड्यूल फॉर्मेशन में। ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अर्ली नॉड्यूल्स एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंफेक्शन थ्रेड एंड प्रोलिफरेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्या करते हैं, नॉड्यूल फॉर्मेशन में मदद करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं कि नॉड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अर्ली नॉड्यूल्स एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंफेक्शन थ्रेड एंड प्रोलिफरेशन ऑफ पार्टिकल सेल। ये क्या करते हैं, नॉड्यूल फॉर्मेशन और की तरह मदद करते रहते हैं। देखो कैसे, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। देखो, देखिए यहां पे समझिए आप, मैंने आपको एक लाइन बताया था, यहां समझो, यहां नॉट फैक्टर्स, नॉट फैक्टर्स क्या है इसको थोड़ा सा जान लेने की जरूरत है। नॉट फैक्टर्स क्या है थोड़ा सा देखो, जो नॉट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली नॉट फैक्टर्स क्या होता है, देखिए यहां पे पहला पॉइंट देखो आप लोग, नॉट फैक्टर्स आर लाइकोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स द डेरिवेटिव्स ऑफ काइटिन नॉट फैक्टर ऑफ द ऑल स्टडीज राइजोबिया आर द बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटिल डी ग्लूकोसामेट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए स्टेटमेंट, CSIR के लिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। नॉट फैक्टर क्या, लाइकोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड द डेरिवेटिव ऑफ काइटिन नॉट फैक्टर, अदर सभी बैक्टीरिया के जो नॉट फैक्टर हो वो क्या रखते हैं, बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटिल डी ग्लूकोसा मेंशन करते हैं। ओके, दूसरी बात, जो नॉट कॉमन जीन्स होते हैं, मैंने जो कहा था ना कि जो कॉमन नॉट जीन्स होते हैं, कॉमन नॉट जीन्स होते हैं, बेसिकली द नॉट जीन्स ABC इनकोड एंजाइम्स, ये कुछ एंजाइम्स को इनकोड करते रहते हैं और दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस बेसिक स्ट्रक्चर। देखो नॉट ए जीन्स क्या करता है, एन एसिटिल ट्रांसफरेज दैट कैटलाइज द एडिशन ऑफ द फैटी एसिड्स। कहने का मतलब क्या है कि जो नॉट ए बी सी का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था ना, नॉट ए बी सी का जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, ये क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स को बनाएंगे, जो प्रोटीन होगी वो एंजाइम नेचर की होगी, और देखो कुछ नॉट ए एन एसिटिल, देखो एन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स को बनाता है और ये क्या करता है, फैटी एसिड चेन को ऐड करता है नॉट फैक्टर बनाने में, फिर कह रहा है नॉट बी। देखो यहां समझने वाली बात है, यहां समझने वाली बात है कि क्या कह रहा है, देखिए यहां पे दूसरी पॉइंट को समझिए आप, देखिए यहां पे लिखा है कि नॉट बी इज ए काइटिन ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, नॉट बी ए काइटिन ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज दैट रिमूव द एसिटल ग्रुप फ्रॉम द टर्मिनल नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी नॉट फैक्टर्स, जो नॉट फैक्टर्स है इनको बनाने में नॉट ए बी सी जो जीन ट्रांसक्राइब हुआ था उसके द्वारा जो एंजाइम बना था वो उसको नॉट फैक्टर को बना रहे हैं। नॉट फैक्टर क्या है लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड,
तो जो लाइकोकाइटिन ओलिगोसैक्राइड है उसको बनाने में नॉट ए बी सी जीन कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने समझ लिया कि नॉट ए ने क्या किया, एन एसिटिल ट्रांसफरेस को बनाया जो क्या किया, फैटी एसिड चेन को ऐड किया। नॉट बी ने क्या किया, काइटिन ओलिगोसैक्राइड डी एसिटाइलेज एंजाइम को बनाया जो एसिटिल ग्रुप को रिमूव किया। और लास्ट में है नॉट सी जीन्स। नॉट सी जीन्स ने क्या किया, नॉट सी जीन्स ने क्या किया, नॉट सी ने क्या किया, काइटिन ओलिगोसैक्राइड सिंथेस को बनाया जो दैट लिंक्स एन एसिटिल डी ग्लूकोसामिन मोनोमर्स। दो नॉट सी जीन ने क्या किया, काइटिन ओलिगोसैक्राइड सिंथेस को बनाया जो दैट लिंक्स एन एसिटिल डी ग्लूकोसामिन मोनोमर्स। नॉट फैक्टर को बनाने में ये मदद करते हैं। तो आपने देखा नॉट ए बी सी जीन ने किन एंजाइमों को बनाया और नॉट डी नॉट फैक्टर को बनाने में ये कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। यहां तक की बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब क्या होता है, देखो यहां पर इस स्टेप के अंदर आप देखिए कि क्या होता है। स्टेप नॉट फैक्टर्स मैंने आपको क्या बताया, देखो देखो हुआ क्या स्टेप, एक बार मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं क्या हुआ। देखो रूट हेयर सीक्रेट्स किया फ्लेवोनोइड्स क्या किया, नॉट डी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। नॉट डी प्रोटीन्स ने क्या किया, नॉट बॉक्स से बाइंड किया, नॉट ए बी सी और होस्ट स्पेसिफिक जीन ट्रांसक्राइब हुए। देखो फ्लेवोनोइड नॉट डी प्रोटीन को नॉट बॉक्स से बाइंड किया, नॉट ए बी सी और होस्ट स्पेसिफिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फाइनली क्या बना, नॉट फैक्टर। ये सब ट्रांसक्राइब किए और प्रोटीन बनाए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, ये सब क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ इन फॉर्मेशन ऑफ नॉट। मतलब कि रूट ने सिक्रीट किया फ्लेवोनॉइड्स को, कीमोअट्रैक्टेंट को, उसने नॉट डी प्रोटीन, नॉट डी प्रोटीन किसकी, राइजोबियम बैक्टीरिया एक्टिवेट किया, और नॉट डी प्रोटीन ने नॉट बॉक्स पे बाइंड किया, नॉट एबीसी और होस्ट स्पेसिफिक जीन को ट्रांसक्राइब, और ये जीन ट्रांसक्राइब होने के बाद जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन किसको इन्वॉल्व है बनाने में, नॉट फैक्टर्स को। और मैंने आपको बताया नॉट फैक्टर्स क्या है, लाइकोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड, लाइकोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। देखो इस केमिकल को, इस नॉट फैक्टर्स को सीक्रेट कौन करता है, सीक्रेट्स राइजोबियम बैक्टीरिया इस नॉट डी फैक्टर को क्या करता है, सीक्रेट करता है। इस नॉट डी फैक्टर्स को राइजोबियम बैक्टीरिया सीक्रेट किया। देखो केमिकल स्टार्ट किया था, रूट सीक्रेट किया था, देखो अब यहां शुरुआत हुई थी कहानी, रूट हेयर ने सीक्रेट किया था, अब बैक्टीरिया को सीक्रेट कर रहा है, और ये नॉट फैक्टर्स, नॉट फैक्टर्स बाइंड करता है फिर से रूट हेयर के पास में। अब ये क्या करेगा, एक्टिवेट बाइंड टू लैक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बाइंड टू, देखो समझिए आप लोग बात, समझिए मेरी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब क्या है समझिए, यहां पे
कि नॉट डी प्रोटीन्स नॉट बॉस को नॉट एवीसी और होस्ट स्पेसिफिक जीन को ट्रांसक्राइब किया और नॉट फैक्टर फाइली बन के तैयार हुआ। जो नॉट फैक्टर बन के तैयार हुआ वो लाइकोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड। अब इसको बैक्टीरिया सिक्रीट कर दिया, बैक्टीरिया जो नॉट फैक्टर की तरह जिसको कहते हैं ये जाके बाइंड करता है किससे, लैक्टिन रिसेप्टर ऑफ रूट हेयर। देखो अब इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि पहले रूट हेयर ने सिक्रेट किया था एक केमिकल फ्लेवोनॉइड से बैक्टीरिया के जीन को ट्रांसक्राइब किया। बैक्टीरिया ने एक केमिकल कंपाउंड बना तैयार किया नॉन फैक्टर लाइकोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड। अब ये फिर से सिक्रेट हो रहा बैक्टीरिया के द्वारा और जाके रूट के हेयर पे एक रिसेप्टर पाया था। CSIR पूछा हुआ, CSIR क्वेश्चन, लैक्टिन रिसेप्टर सुगर बाइंडिंग लैक्टिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कि रूट हेयर के मतलब क्या, कि कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि रूट हेयर ने केमिकल सीक्रेट किया फ्लेवोनॉइड तो बैक्टीरिया के अंदर परिवर्तन एक नॉट फैक्टर बना। उस नॉट फैक्टर में जब सीक्रेट किया तो रूट हेयर से आके बैक्टीरिया बाइंड कर गया। रूट हेयर से बैक्टीरिया आके क्या किया, बाइंड कर गया। बाइंड कैसे किया, जो नॉट फैक्टर इसका है और रूट हेयर पे कौन केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, रिसेप्टर है लैक्टिन, लैक्टिन रिसेप्टर है रूट हेयर पे। CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है, CSIR में ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। देखो कैसे इस डायग्राम में देखिए, आप लोग अब इस डायग्राम में आप देखिएगा होता क्या है कि सबसे पहले यहां से क्या हुआ था, मैंने बोला था ना एक फ्लेवोनॉइड कंपाउंड सीक्रेट किया था कीमो अट्रैक्टेंट, और इसको देखो और इसने क्या किया, नॉट फैक्टर्स को एक्टिवेट किया, नॉट जीन ट्रांसक्राइब हुआ, प्रोडक्शन ऑफ नॉट फैक्टर्स हुआ जिसे कहते हैं लाइकोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड। यहां तक की बात तो सबको समझ में आ रही है। अब देखो अब ये क्या कर रहा है, नॉट फैक्टर इनिशिएट करता नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। देखो इसने क्या किया, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये देखिए ये बैक्टीरिया है और ये क्या है, रूट हेयर। यहां पे समझना ऐसे है कि अब जब नॉट फैक्टर सीक्रेट होता है, देखो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो नॉट फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया है, नॉट फैक्टर दैट इज लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड ये सीक्रेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सीक्रेट हुआ। अब देखो इसी से लाइपो नॉट फैक्टर्स, इस नॉट फैक्टर ओलिगोसैकेराइड्स जो होता है, अब इससे क्या करता है बैक्टीरिया, ये किसके पास रहता है, ये स्ट्रक्चर्स किसके पास है, बैक्टीरिया के पास, राइजोबियम होता है और बैक्टीरिया के पास। और इससे क्या होता है, मैंने कहा कि ये रूट हेयर है, ये क्या है, रूट हेयर है। ये क्या रूट हेयर है, ये किसका है, रूट हेयर, मीनस प्लांट के अंदर।
लेग्यूनस पार्ट का रूट हेयर जो आपका होता है, इसी के पास में एक बैक्टीरिया यहाँ पे, जो ये बैक्टीरिया पाया जा रहा बैक्टीरिया, अब इससे जो बाइंड करता है, ये मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरिया, जो देखो इसको समझना है कि यहाँ पे जो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया ये किसको रखता है, नॉट डी फैक्टर को, और इससे जो जो रूट होता है, जो रूट का टिप होता है, रूट का टिप होता है ये रूट टिप, रूट हेयर्स, इसके पास इस पॉइंट पे, यानी अब आपको ध्यान से समझने की बात है, जो रूट का टिप होता है ना उसके ऊपर एक कंपाउंड पाया जाता है, इसका नाम है लैक्टिन। यानी बाइंडिंग किसके बीच में हो रही है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे है कि बैक्टीरिया का नॉड फैक्टर और रूट हेयर का जो रिसेप्टर होता है, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करते हैं। बैक्टीरिया कौन सा, नॉड फैक्टर, और प्लांट का क्या है, लाइक लैक्टिन रिसेप्टर, रिसेप्टर बाइंडिंग होती है। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर में यही स्टेटमेंट आया है, बैक्टीरिया का जो नॉड फैक्टर होता है वो रूट हेयर से जब बाइंड करता है तो किस रिसेप्टर से बाइंड करता है, रूट हेयर का लैक्टिन रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ रूट हेयर। इसका मतलब कि रूट हेयर का लैक्टिन रिसेप्टर सुगर बाइंडिंग कंपाउंड जो नॉट फैक्टर होता है उससे बाइंड करता है, उससे बाइंड करता है। इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि देखो होता क्या है कि यहाँ पे बैक्टीरिया का नॉट फैक्टर, बैक्टीरिया के पास जो नॉट फैक्टर होता है वो जाके रूट हेयर से बाइंड करता है, तो रूट हेयर से बाइंड करेगा तो रूट हेयर पे एक रिसेप्टर चाहिए, उस रिसेप्टर का क्या नाम है, लैक्टिन सुगर बाइंडिंग रिसेप्टर, लैक्टिन एक सुगर बाइंडिंग रिसेप्टर होती है। ये क्वेश्चन सीएसआईआर पूछा हुआ है, याद रखिएगा सीएसआईआर। देखो इस स्टेप को देखो, देखो क्या होता यहां पे वो सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, इस डायग्राम को देखिए, यहां पे देखो एक पॉइंट आपको समझना है, दैट इज पहले आप यहां पे देखो कुछ स्टेप्स आपके बायोकेमिस्ट्री ऑफ नॉर्मलाइजेशन जीन्स के हैं, उनको एक एक करके समझना। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ था, पहला पॉइंट हुआ था कीमो अट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द स्वैल बैक्टीरिया टुवर्ड द रूट मेडिएटेड बाय ए केमिकल सच एज द फ्लेवोनॉइड्स, होमोसेरिन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द होस्ट प्लांट। मैंने कहा था ना पहला स्टेटमेंट तो ये था, फ्लेवोनॉइड सीक्रेट होता है या होमोसेरिन कंपाउंड्स होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये स्पेशल, देखो पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ। सेकेंड, ए स्पेशल एडहेशन प्रोटीन कॉल रिकार्सन, ये याद रखना,
याद रखिएगा सभी लोग कि दूसरा क्या होता है स्टेप होता है कि रिका एडिशन प्रोजेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द राइजोबियम स्पीसीज. रिका एडिशन इज द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन विच प्ले रोल इन द बैक्टीरिया अटैचमेंट. यानी एक रिका एडिशन प्रोटीन्स होती है जो कहाँ पाई जा रही है, राइजोबियम प्लांट के ऊपर. इस राइजोबियम नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है, जिससे क्या होता है एडिशन ये जुड़ता है प्रोटीन के पास. अब देखो लेग्यूम सिक्रीट करता है सिग्नल्स यूजली फिनोलिक कंपाउंड्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स और आइसोफ्लेवोनॉइड. मैंने कहा था ना कि सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि सिक्रीशंस होता है फ्लेवोनॉइड कंपाउंड का. जो फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते रहते हैं, ये आइसोफ्लेवोनॉइड या फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. और ये किसको एक्टिवेट करते हैं, नॉट. अब ये क्या करते हैं पैसिवली, ये करते क्या है, ये डिफ्यूज होने के बाद डिफ्यूज अक्रॉस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज दिस पॉजिटिव एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नॉट डी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, नॉट डी प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है, नॉट डी प्रोटीन होता है. चौथे पॉइंट्स पे देखिए, चौथे पॉइंट्स पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है. चौथे पॉइंट पे लिखा गया है कि पहला क्या, फ्लेवोनॉइड को सीक्रेट किया जो उसकी वायर में डिफ्यूज किया और जाके नॉट डी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया. और ये नॉट डी प्रोटीन्स क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और जाके नॉट बॉक्स से नॉट बॉक्स में नॉट एबीसी जीन को ट्रांसक्राइब करता है. ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी. आगे देखो, यस, इस डायग्राम में देखो अब क्या करता है, इस स्टेप को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या हुआ देखो, अभी तक की जो कहानी हुई थी, अब स्टेप इन नोडल फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें, नोडल फॉर्मेशंस की बात करें तो देखा आपने कि रूट हेयर ने सीक्रेट किया फ्लेवोनॉइड्स ने एक्टिवेट किया नॉट डी प्रोटीन्स को, नॉट डी प्रोटीन्स ने एक्टिवेट किया अदर नॉट जीन्स एबीसी को, और फाइनली क्या बना, एंड होस्ट स्पेसिफिक को, और इसने बनाया नॉट फैक्टर्स को. ये बात तो क्वेश्चन में आ रहेगी, नॉट फैक्टर्स को ना. और ये नॉट फैक्टर्स, अब देखो नॉट फैक्टर्स ने क्या किया, नॉट फैक्टर्स ने क्या किया, जो क्या है लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड, और ये नॉट फैक्टर्स जाके बाइंड किया, किससे बाइंड किया, लैक्टिन रिसेप्टर ऑफ रूट हेयर्स. याद रखिएगा ये स्टेप है, इतनी कहानी हो रही है कि नॉट फैक्टर किससे बाइंड किया, लैक्टिन रिसेप्टर ऑफ रूट. देखो हुआ यूं, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि अब देखिए ये जो ये बोल रहा हूं रूट हेयर है और यहां पाया जा रहा है लैक्टिन रिसेप्टर, और ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के पास यहां पाया जाता है बैक्टीरिया का, देखो बैक्टीरिया का ये क्या है, नॉट फैक्टर.
यानी बैक्टीरिया का नोड फैक्टर और रूट हेयर का लैक्टिन रिसेप्टर आपस में बाइंड कर जाते हैं। बैक्टीरिया बहुत क्लोज आ जाता है, पास आ जाता है। बैक्टीरिया क्या आता है? पास आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? अब क्या हो गया, अगर आप अगले स्टेप में देखो तो ये रूट हेयर्स जो होती है, रूट हेयर होती है, ये जो क्या है, रूट हेयर, और यहां पे बैक्टीरिया है, और ये क्या है, रूट, आपस में बाइंड कर गए एक दूसरे के पास में आ गए। बाइंडिंग किसके किसके बीच में हुई? बैक्टीरिया का नॉट फैक्टर जो उसकी वॉल पे पाया जाता है, जो उसकी वॉल में पाया जाता है, और रूट का जो रूट टिप है ना, जो रूट का हेयर टिप है उस पर लैक्टिन रिसेप्टर पाया जाता है, इनके बीच में क्या हो गई, बाइंड हो गई। तो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, रूट हेयर फ्लेवोनॉइड को नॉट डी प्रोटीन, नॉट डी प्रोटीन अदर नॉट जीन को एक्टिवेट किया, नॉट फैक्टर बना, नॉट फैक्टर क्या है, लाइपोकाइटिन ओलिगोसैक्राइड, और ये बैक्टीरिया की वॉल पे है, और ये जाके बाइट किससे हो गया, रूट, यानी रूट हेयर और बैक्टीरिया का कांटेक्ट हो चुका है, रूट हेयर और बैक्टीरिया का कांटेक्ट हो चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा, अब आगे हम लोग देखेंगे। देखो क्या होता है, पहले यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अब पहले क्या होता है, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज सराउंडिंग द रूट अटैच टू द एपिडर्मल रूट हेयर, रूट हेयर से अटैच कर लेता है बैक्टीरिया। उसके बाद क्या करता है, रूट हेयर को कर्ल कर देता है, पहला काम। अब ये आपसे पूछेगा रूट हेयर कर्लिंग क्यों होती है, रूट हेयर कर्ल एट द टिप, रूट को देखो टिप कर्लिंग हुई ना, रूट क्या होती है, कर्ल जाती है। ये जो रूट कर्लिंग हुआ है, ये जो रूट कर्लिंग हुआ है ना, रूट हेयर की जो कर्लिंग हुए मतलब घूम गया, जैसे कहते हैं ना, देखिए ये रूट हेयर कर्लिंग हो गया, कर्लिंग क्यों हुआ, ड्यू टू द नॉड फैक्टर। किसको कौन कॉज करता है, याद रखिएगा सीएसआईआर पूछता है, कर्लिंग ड्यू टू नॉड फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नॉड फैक्टर क्या कॉज करता है, जब उससे टच करता है रूट हेयर से, उसको कर्लिंग कर देता है, उसको क्या करता है, कर्ल मोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया अगले स्टेप पे क्या करता है, एंट्री करता है, बैक्टीरिया इन्वाइट द रूट हेयर, रूट हेयर के अंदर इंटर कर जाता है, रूट हेयर के अंदर इंटर कर जाता है। फिर क्या करता है, एंजाइम फ्रॉम द बैक्टीरिया, एंजाइम फ्रॉम द बैक्टीरिया डिग्रेडेट द पार्ट ऑफ रूट हेयर सेल वॉल एंड विच प्रोड्यूस ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन। और पहला स्टेप क्या हुआ, बैक्टीरिया अपने नॉट फैक्टर की सहायता से रूट के पास आया और लैक्टिन से बाइंड कर लिया। उसके बाद क्या किया, रूट हेयर को कर्ल कर दिया, रूट से जाके फिर क्या किया, रूट की वॉल को डिजॉल्व कर दिया, रूट की वॉल को डिजॉल्व कर दिया अपने एंजाइम के द्वारा, और रूट हेयर के अंदर इंटर करना शुरू किया, रूट हेयर के अंदर इंटर किया, किसके सहायता से, इन्फेक्शन थ्रेड की सहायता से, इस इन्फेक्शन थ्रेड की सहायता से। देखो बैक्टीरिया इन्वेड इन्वेड इन्फेक्शन थ्रेड एंड रीच अप टू द इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स तक इंटर करके चला जाता है, ठीक ना। इस स्टेप को हम लोग देखते हैं कैसे होता है। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, हुआ क्या, देखो आप इसको ऐसे समझिए, पहला स्टेप मैं दिखा रहा हूं कि ये देखो ये क्या है, रूट हेयर्स, ये क्या है, रूट हेयर, और यहां पे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसने क्या किया, इसका एक कंपाउंड जिसे मैंने क्या बोला, इसका नॉड फैक्टर बैक्टीरिया का और रूट हेयर का क्या,
लैक्टिन। लैक्टिन दोनों आपस में क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। इसका मतलब यहां जो बाइंडिंग हो गया, यहां जो बाइंडिंग हुआ किसके किसके बीच में हुआ, लैक्टिन सुगर बाइंडिंग और इसका नॉट फैक्टर, यानी बैक्टीरिया का नॉट फैक्टर जो इसकी सेल वॉल में पाया जाता है, और जो सुगर बाइंडिंग रिसेप्टर होता है रूट का, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट आ गए। अगले स्टेप में क्या होता है, इसके बाद नॉट फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया इंड्यूस करता है कर्लिंग ऑफ रूट हेयर को कर्ल कर देता है। इसका मतलब कैसा हो गया, अगले स्टेप में अगर आप देखो तो ये रूट हेयर क्या हो जाती है, रूट हेयर क्या हो जाती है, ऐसे जाती है, यानी रूट हेयर कर ली हो गई। देखो ये रूट हेयर कर ली हो गई। अब बैक्टीरिया कहाँ आ गया, यहाँ बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया उस कर्लिंग के बीच में आ गया, जो घुमाव है उसके पास में आ गया। देखो तो नॉट फैक्टर ने सिक्रीट किया और कर्लिंग किसका हुआ, उसके इन्फ्लुएंस में रूट हेयर। अगले स्टेप पे क्या होता है अब ध्यान समझिएगा अगले स्टेप पे क्या होता है। ये रूट हेयर्स ये जो है, और यहां पे बैक्टीरिया इस वॉल को डिसॉल्व करता है, वॉल ऑफ रूट हेयर डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व बाय दियर एंजाइम्स, अपने एंजाइम्स के द्वारा रूट हेयर की जो वॉल होती है उसको डिसॉल्व कर देता है और उसके अंदर इंटर कर जाता है, रूट हेयर के अंदर इंटर कर जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि ये जो रूट हेयर्स था ये देखो, ये जो रूट हेयर थी, अब बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर इंटर कर गया। ओके, रूट हेयर के अंदर इंटर कर गया बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया अब क्या बनाएगा, अब ध्यान सुनिएगा, एक बनाएगा यहां से एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा, इसे कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। देखो ये इन्फेक्शन थ्रेड है, इसे कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा और इसी इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर बैक्टीरिया सब रहेंगे। ये बैक्टीरिया देखो, इस इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये देखो, अगर आपको याद हो मैंने बोला कि ये देखिए, ये क्या है, एपिडर्मिस रूट की, और अगल बगल की जो सेल होती हैं आपको याद हो तो यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें कौन सेल्स कहते हैं, कॉर्टिकल सेल,
अगर सक्सेस कारण होगा रूट हेयर का, तो आप देखोगे उसमें क्या होगी, इपिडर्मिस के पीछे क्या पा जाएंगी, कॉर्टिकल सेल। और ये इन्फेक्शन थ्रेड जो आपका है, देखिए बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ये इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है अंदर तक जाता है, इसी में बैक्टीरिया, इसमें क्या है, बैक्टीरिया होता है। इसका मतलब स्टेप क्या हुआ, स्टेप को समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट हेयर के पास बैक्टीरिया का नॉट फैक्टर गया, नॉट फैक्टर गया और उसके लैक्टिन रूट हेयर से बाइंड किया, फिर बैक्टीरिया का नॉट फैक्टर रूट को कर्लिंग कर दिया और उसके पास आ गया, फिर बैक्टीरिया का एक एंजाइम सीक्रेट हुआ, रूट हेयर को की वॉल को डिजॉल्व कर दिया। अगला स्टेप क्या हुआ कि रूट हेयर के अंदर इंटर कर गया और एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण, उसी इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा बैक्टीरिया इंटर करते चला जाता है रूट के कॉर्टेक्स में। यहां पे देखो, यहां पहुंच जाता है यहां पे, और यहां पे ये सब अगल बगल कौन सेल पाई जाती है, ये सब पाई जाती है, ये सारी सेल्स पाई जाती है, ये सारी सेल्स पाई जाती है कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल सेल। और यहां पे बनाता है रूट नोड्यूल बनाता है, यहां पे आता है रूट नोड्यूल का निर्माण करता है। समझ में बात आ रही है मेरी, कि यहां पे गया बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल बनाया, यहां पे बैक्टीरिया पहुंचा और बैक्टीरिया यहां पे आया, यहां पे बैक्टीरिया, और ये स्ट्रक्चर्स क्या हो गई, रूट नोड्यूल। अब यहां पे क्या होगा, N2 का फिक्सेशन होगा, N2 का फिक्सेशन हो गया। स्टेप समझ में आया कि नहीं, एक बार हमको रिप्लाई करो, बड़ा लंबा लेक्चर है क्योंकि ये मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आ पाती है तो क्योंकि लेक्चर्स बहुत लंबा हो जाता है। ओके, अभी ये 2 घंटे के आसपास लेक्चर्स हो चुका है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अभी तक क्या कंडीशन है, समझ आप लोग को आया, एक बार हमको रिप्लाई करो, क्या कंडीशन, आप लोग को समझ में आई बातें, स्टेप समझ में आया कि नहीं, एक बार हमको रिप्लाई करो। जितने लोग जुड़े हुए हो आप लोग की क्या समस्या है, समझ में आई कि नहीं, कि क्या स्टेप हुआ, समझ में आया कि नहीं, एक बार मेरे को रिप्लाई करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसके बीच में कि कैसे ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सभी रिप्लाई करो, रोहिना जी आपको समझ में आया, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। देखो किस तरह से बैक्टीरिया रूट के पास आता है, रूट हेयर के पास, रूट हेयर की वॉल को डिजॉल्व करता है, उसमें इंटर करता है इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा, ठीक है, सो जाइए अंजलि जी, नहीं समझ में अब ज्यादा लेक्चर्स लग रहा है तो क्लास लीव कर दीजिए, बाकी लोग देखते रहिए, स्टेप इंपॉर्टेंट है, जो CSIR का एग्जाम देने वाले हैं वो समझ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चंस कितने ज्यादा यहाँ से आता रहता है, तो आप लोग समझो। इसका मतलब आपने ये देखा कि कॉर्टिकल सेल के पास पहुंच गया बैक्टीरिया, रूट के कॉर्टिकल सेल के पास बैक्टीरिया पहुंच गया, कैसे, पहला स्टेप क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया, अगर आपको एक बार स्टेप में रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक बार फिर से स्टेप रिवाइज कर रहा हूँ, पहली बार रूट के अगल बगल बैक्टीरिया पाया जाता था, तो रूट ने केमिकल सेपराउट सिक्रेट किया फ्लेवोनॉइड, और उस फ्लेवोनॉइड के द्वारा क्या किया, बैक्टीरिया के नॉट जीन को एक्टिवेट कर दिया, और नॉट जीन्स क्या हुए, जब ट्रांसक्राइब हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सब एक नॉट फैक्टर बनाए, और ये नॉट फैक्टर ने क्या किया, रूट हेयर को कर्लिंग कर दिया और रूट के पास जाके बाइंड किया। बाइंड किसकी किससे किया, नॉट फैक्टर और लैक्टिन, याद रखना, नॉट फैक्टर और लैक्टिन की बाइंडिंग हुई, नॉट फैक्टर और लैक्टिन की बाइंडिंग हुई। इसके बाद नॉट फैक्टर ने रूट हेयर को कर्लिंग कर दिया, उसके पास जाके बाइंड कर गया है और उसकी वॉल को डिजॉल्व कर दिया। उसकी वॉल को डिजॉल्व करने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर बना दिया उस रूट हेयर में, और उसके द्वारा अंदर चलता गया और कॉर्टेक्स के पास पहुंच गया, और कॉर्टेक्स में जा करके रूट नोड्यूल एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, और वहां पे सेल डिवीजन को प्रमोट कर दिया, सेल को पॉलीप्लाइड्स बना दिया,
वहां पे किसको इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन को, और सेल डिवीजन को जब इंड्यूस करता है कॉर्टिकल सेल इनलार्ज कर जाती है, जो कॉर्टिकल सेल इनलार्ज कर जाती है, जो पॉलीप्लाइडी नेचर की हो जाती रहती है, उसी के अंदर क्या करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, स्टेप समझ में आ गया होगा। देखो मेरे कहने का मतलब क्या था, देखो यहां इस डायग्राम को देखो, यहां ये देखो, यहां पे ये सब क्या है, देखो यहां पे ये देखो नोड्यूल है, इस स्ट्रक्चर्स में देखिए ये रूट हेयर है, ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये देखो ये इंफेक्शन थ्रेड बन रहा है, इंफेक्शन थ्रेड बन रहा है ये, और यहां पे ये नोड्यूल बना रहा है, नोड्यूल बना रहा है, नोड्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। देखो यहां देखो, यहां पे इसने क्या किया, इस इंफेक्शन थ्रेड को बनाया, इंफेक्शन थ्रेड को बनाया, इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा देखो ये रूट हेयर से क्या किया, बाइंड कर गया, ये देखो एंट्री कर रहा है, और इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा एंट्री कर रहा है, इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा एंटर किया और जाके यहाँ पे क्या बनाया, नोड्यूल बनाया, नोड्यूल का फॉर्मेशन किया, इसके अंदर जाके नोड्यूल का फॉर्मेशन किया हुआ है। आप देख रहे हैं इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा वो एंटर करता है। आप लोग समझ पा रहे हो, कोई डाउट्स, यहां तक की बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये यहाँ पे इस स्टेप के अंदर आप देख सकते हो, इस स्टेप में आप देख सकते हो मैंने क्या बोला कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा, इन्फेक्शन द्वारा कहाँ पहुंचा, इनर कॉर्टेक्स में, देखो इनर कॉर्टेक्स में पहुंच गया। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कि पहले राइजोबियम रूट हेयर के पास गया, रूट हेयर की वॉल को डिजॉल्व कर दिया और उसके अंदर इंटर कर गया, उसके अंदर इंटर करने के बाद बैक्टीरिया ने क्या किया, इंफेक्शन थ्रेड को बनाया, उस इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा इंटर कर गया, कॉर्टेक्स के पास गया और कॉर्टेक्स के पास नोड्यूल का फॉर्मेशन किया। देखो आप लोग यहाँ पे देखो क्या करता है, आफ्टर रीचिंग, देखो यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर रीचिंग, अगर आप देखो यहाँ पे आफ्टर रीचिंग द कॉर्टेक्स स्टिमुलेट द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। देखिए यहाँ पे स्टेप को देखिए, जब ये कॉर्टिकल सेल के पास पहुंचता है ना तो वहां पे क्या करता है, नोड्यूल को फॉर्मेशन करता है और कॉर्टिकल सेल को डिवाइड कर देता है। तो ये स्टेप इन्वॉल्व है, स्टेप इन्वॉल्व है कि कैसे राइजोबियम करता क्या है। अगर ये स्टेप आपको याद रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले एक स्टेप एक बार आपको समझ लो, सबको समझ में आ रहा होगा, एक जो एरो मैंने बनाया है इससे आप समझ सकते हो क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कोलोनाइज सराउंडिंग द रूट हेयर के पास पहुंच जाता है, रूट हेयर की कर्लिंग नॉट फैक्टर्स हो जाती है, रूट हेयर से बाइंड कर जाता है किससे, बैक्टीरिया का नॉट फैक्टर और प्लांट का लैक्टिन से बाइंड। उसके बाद क्या करता है, बैक्टीरिया उसकी वॉल को डिजॉल्व कर देता है अपने एंजाइम के द्वारा रूट हेयर के, फिर रूट हेयर के में क्या होता है, अगले स्टेप में बैक्टीरिया इंफेक्शन थ्रेड का निर्माण करता है जिसकी सहायता से कहां पहुंच जाता है, कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स में सेल डिवीजन कर देता है, कॉर्टेक्स की साइज को बड़ा कर देता है और वहीं पे क्या बनाता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने मेरी बात बोली आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस स्टेप को बताते हैं। ये था, अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद की कहानी कि कैसे, इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स के बारे में। देखो यहाँ तक की कहानी हमने आपको बता दिया है कि कैसे स्टेप था, अब अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा नाइट्रोजिनियस एंजाइम की सहायता से, नाइट्रोजिनियस एंजाइम की सहायता से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा अगले स्टेप पे। जैसे एक स्टेप पे आप देख सकते हो, इसको आप यहां से भी देख सकते हो इस डायग्राम में, देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा देखो आप लोग, इस डायग्राम को आप देखिए,
इस डायग्राम में और स्पष्ट क्लियर होगा आपको चीजें। यहां पे देखो कैसे रूट हेयर बना रहा है, राइजोबियम, राइजोबियम आपका है ये देखो, इसके द्वारा कैसे इंटर कर रहा वाल में, ये देखो रूट हेयर। ये अगल बगल क्या है, सॉयल है, सॉयल में क्या पाया, रूट हेयर के पास में क्या पाया रहा, बैक्टीरिया पाया जा रहा और इसके द्वारा ये इंटर कर रहा है। ये इसका इंफेक्शन थ्रेड है, ये क्या है, इसका इंफेक्शन थ्रेड है। इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा कैसे ये इंटर करता है, इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा कैसे ये कॉर्टिकल सेल के अंदर जा रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये कैसे इंटर करता है। देखो ये आपका इंफेक्शन थ्रेड, ये इंफेक्शन थ्रेड के द्वारा कैसे इंटर करता है, देखो यहां पे इस डायग्राम में देखिए ये कैसे रूट नोडल को बना रहा है। देखो ये देखो इसका इंफेक्शन थ्रेड है, इंफेक्शन थ्रेड है, ये इंफेक्शन थ्रेड है, थ्रेड है, इसके द्वारा बैक्टीरिया इंटर करता है अंदर, रूट हेयर से इंटर किया, पहुंच गया कॉर्टेक्स पास और वहां पे क्या बनाया, रूट नोड्यूल बनाया, नोड्यूल। अब उसी नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। अब बात यहां तक समझ में आपको आ गई, देखो ये बनाया इसका है, ये जो आपका है ये एरिया जो आपका बना है रूट नोड्यूल बन के तैयार, और इसके ही अंदर अब नोड्यूल। अब देखो कहने का मतलब कि इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि कैसे बैक्टीरिया इंटर कर गया, कैसे बैक्टीरिया, देखो कैसे बैक्टीरिया इंटर कर गया यहाँ तक। अब यहाँ से एक इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा, एक इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा बैक्टीरिया पहुँच गया, इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा, इस इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा बैक्टीरिया पहुँच गया, बैक्टीरिया, और यहाँ पे बनाया इसके अंदर। अब देखो यहां पे देखिए, यहां पे ये है रूट नोड्यूल और यहां पे पहुंचा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब देखो ये अगल बगल की सेल क्या है, कॉर्टेक्स, और ये क्या है, रूट हेयर, और ये क्या आपका है, इपीडर्मिस, और ये क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड। यहां तक की बात आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। अगर मैं बोलूं कि अब इसके अंदर नाइट्रोजन कैसे फिक्सेशन होगा, ये चीज हमको जानना है। ये मैंने बोला ये क्या है, रूट नोड्यूल कार्टिकल सेल्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स है। अब इसके अंदर ये बैक्टीरिया है, कैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, जिस एंजाइम की सहायता से करेगा उसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स, नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स। और इस प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नाइट्रोजन को कैसे ये फिक्स कर रहा है बैक्टीरिया, और नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स जो इंपॉर्टेंट है वो कैसे फिक्स करता रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं। अगले स्टेप पे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होता है, कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, यहां तक की बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, सबको समझ में आया कि नहीं, एक बार रिप्लाई करो मेरे को। एवरीबडी स्टार गेमर्स, अंजलि, सिस्टर राजेंद्र, रूहिना, जितने लोग भी जुड़े हो बताओ अभी तक का डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि जो एंजाइम्स होता है वो नाइट्रोजिनेस कैसे काम करता है, देखो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम देखो यहां पे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग नीचे देखो लिखा हुआ है साइड में,
N2 plus 8 hydrogen plus 8 electron plus 16 ATP और नाइट्रोजनियस एंजाइम की सहायता से कैसे अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जा रहा है अमोनियम के अंदर, वहां पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसका नाम क्या है, नाइट्रोजनियस एंजाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजनियस एंजाइम क्या है, कैसे काम करता है, किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में काम करता है, ये एनरोबिक कंडीशन में कैसे काम करता है, कैसे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे जो एंजाइम्स पाया जाता है, मैंने बोला ना जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स, जो जो नीचे रिएक्शंस लिखा है उस पर ध्यान दें, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 3 में हम लोग जानेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम के रोल क्या होते हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आज का लेक्चर यही है, किसी का कोई क्वेश्चन है एक बार रिप्लाई करो, इज एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी। चलो तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।